नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर में देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। इससे ठीक 6 दिन बाद कृष्ण छठी का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ष 2024 में भगवान श्री कृष्ण की छठी 1 सितंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से साधक की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कृष्ण छठी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं कृष्ण छठी का क्या ही है महत्व। सनातन धर्म में बच्चे की छठी का खास महत्व होता है और उसी कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करते हैं और उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। कहते हैं कि यदि निसंतान दंपति छठी का पूजन करे तो उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा कृष्ण छठी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनकी हर कामना ही पूरी करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि अब कृष्ण छठी की हम किस तरह से पूजा करें। कृष्ण छठी का पूजन बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कि आम बच्चे के जन्म के बाद उसकी छठी पूजा की जाती है। कृष्ण छठी के दिन घर में कढ़ी चावल बनाए जाते हैं और उसी का भोग लगाते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर एक आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लड्डू गोपाल को बिठाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल के वस्त्र व श्रृंगार हटाकर उससे पहले उनकी मालिश करें। मालिश के लिए सरसों या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक बर्तन में दूध लें और उस दूध में लड्डू गोपाल का इस तरह से स्नान कराएं जैसे किसी नवजात बच्चे को कराया जाता है। फिर उन्हें पोछकर नए वस्त्र पहनाएं और उनका पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं और उनके आँखों में काजल लगाएं। छठी के दिन आँखों में काजल जरूर लगाया जाता है। सभी रस्में पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण के सामने घी का दीपक जलाएं और फूल फल अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। दोस्तों, आप भी कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा आराधना करें। निश्चिंत ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ये थी हमारी जानकारी श्री कृष्ण भगवान जी की छठी पूजन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।